झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं, और तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, और कह रहा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, मुसलमानवा दे देगा, मुसलमानवा दे देगा, मुसलमानवा दे देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनसे हर कोई अचंभित है। जैसे मोबाइल को मोबाइलवा कहना, किसी भी शब्द में आकार लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही कुछ आज सदन में देखने को मिला, जहां सदन में मुसलमनवा शब्द का प्रयोग सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से किया गया। अब नीतीश कुमार बीजेपी को जवाब दे रहे थे, शराबबंदी कानून और छपड़ा में हुए शराब कांड पर सदन में बोल रहे थे, तब वोट बैंक को लेकर उन्होंने मुसलमनवा शब्द का प्रयोग किया। हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अनकट वीडियो दिखाएंगे, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और फिर तय कीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो सुनकर आपको क्या लग रहा है। देखिए इस अनकट वीडियो को और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब जब तो तुम खो खोले हुए हो, बता वहां अजा शराबबंदी भी लागू किया, वहां का भी हाल है, तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए, अब तो हम आपको हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। और ये सब बात बताइए, आई लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं, और तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, और कह रहा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, और इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा, अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। अब बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप सब नहीं, यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला, तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे, तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इसलिए आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा, कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है,